गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटी के सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी जो फाइनेंस बजट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस क्लॉज को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना असंभव हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमने आपको हमारी फर्स्ट वीडियो जीएसटी न्यू चेंजेस बजट 2022 में ये आपको बताया था कि जीएसटीआर 2B में दो टाइप के ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट जनरेट होंगे, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ए जो बजट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि अगर आप कोई इन्वॉइस के अगेंस्ट आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो उस इन्वॉइस को सेक्शन 38 के रेस्ट्रिक्शन से बाहर कर देना चाहिए। सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए वो इन्वॉइस जिसके अगेंस्ट आईटीसी अवेलेबल रहेगा रेसिपिएंट को, सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी वो इन्वॉइस जिसके अगेंस्ट आईटीसी नॉट अवेलेबल रहेगा रेसिपिएंट को। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो इसका जवाब है क्लॉज बी जो इंट्रोड्यूस किया गया है बजट 2022 में, जो कहता है अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो आपको अपने सप्लायर पर ये 6 चेक्स लगाने होंगे जो सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में बताए गए हैं। यानी कि अगर सीधे सीधे बात करें तो अगर आपको किसी इन्वॉइस पर आईटीसी क्लेम करनी है तो सिर्फ सप्लायर के जीएसटीआर 1 फाइल करने से नहीं होगा, उसके साथ आपको ये 6 चेक्स भी लगाने होंगे, नहीं तो आपका आईटीसी नॉट अवेलेबल जनरेट हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं 6 चेक्स के बारे में। नंबर 1, by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed। यानी सपोज कीजिए आपका सप्लायर 6 फरवरी 2022 को न्यू रजिस्ट्रेशन लेता है और 7 फरवरी 2022 को आपको टैक्स इन्वॉइस देता है, तो आप उस इन्वॉइस की आईटीसी नहीं क्लेम कर पाओगे, क्योंकि ये कंडीशन ही यही कहता है बाई एनी रजिस्टर्ड पर्सन विथ इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन। यानी कि रूल्स में प्रेस्क्राइब करा जाएगा कि कितने समय तक न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सप्लायर के इन्वॉइस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले आपको ये बता दें कि ये रूल्स अभी तक लागू नहीं हुए, क्योंकि अभी तक फाइनेंस बिल 2022 फाइनेंस एक्ट नहीं बना है, पर ये नियम बहुत जल्द लागू होंगे। नंबर 2, बाई एनी रजिस्टर्ड पर्सन who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed। सपोज कीजिए आपके सप्लायर ने आपको इन्वॉइस दिया और उस इन्वॉइस को अपने जीएसटीआर 1 में फाइल कर दिया और वो इन्वॉइस आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, टैक्स पेमेंट के अंदर डिफॉल्ट किया है जो पीरियड प्रिस्क्राइब किया है उसमें, तो आपको उस सप्लायर के उस इन्वॉइस के अगेंस्ट आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग। नंबर 3, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन द आउटपुट टैक्स पेबल बाय होम इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट सप्लाईज फर्निश्ड बाय हिम अंडर द सेट सबसेक्शन ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब एक्सीड्स द आउटपुट टैक्स पेड बाय हिम ड्यूरिंग द सेट पीरियड बाई सच लिमिट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये पॉइंट कहता है कि आपके सप्लायर ने जिसने इन्वॉइस अपलोड किया है उसने अपनी जो जीएसटीआर 1 फाइल की है उसमें लायबिलिटी दिखाई है 1,00,000 रुपये और जो जीएसटीआर 3B फाइल की है उसमें लायबिलिटी दिखाई है 80,000 रुपये। तो जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B में डिफरेंस आपके सप्लायर के डेटा में अवेलेबल है, इस वजह से आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। नंबर 4, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड हैज अवेल्ड क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ एन अमाउंट दैट एक्सीड्स द क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय हिम इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज ए बाय सच लिमिट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये तो सुपर से भी ऊपर हो गया। जो अभी अभी हमने आपको बताया कि सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए है एंड क्लॉज बी है। क्लॉज ए कहता है अवेलेबल, क्लॉज बी कहता है नॉट अवेलेबल। अब आपके सप्लायर जिसने अपलोड कर दी है इन्वॉइसेस, उसने जब अपना आईटीसी क्लेम किया होगा तो सिर्फ क्लॉज ए के अंदर जो अमाउंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर उसने आईटीसी क्लॉज ए के अकॉर्डिंग नहीं किया, यानी कि अगर क्लॉज ए में आईटीसी अवेलेबल थी 50,000 और उसने क्लेम कर दिया 60,000, तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये कंडीशन कैसे फुलफिल होगी, भगवानी मालिक है। नंबर 5, बाई एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लाइबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 49 सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सेक्शन 49 सबसेक्शन 12, जी हाँ, रूल 86 कैपिटल बी। आपके सप्लायर ने अगर रूल 86 कैपिटल बी का फॉलो नहीं किया है, कोई भी कंडीशन, मतलब उसको 1% की लाइबिलिटी भरनी थी, उसने नहीं भरी, तो आपका आईटीसी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ए एंड सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के तरफ से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 6, बाई सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सो ये 6 कंडीशन लगा दी गई है जिसके तहत आपको आईटीसी क्लेम करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जीएसटी एंड इनकम टैक्स से जुड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।